मैंने आपको कहा था ना मिस अग्रवाल, निशा बहुत ठीक है, नहीं बदलेगी। आज जो कुछ भी हो अनइंटेंशनली सही, पर अपनी फैमिली की नजरों में तो गिर गया ना मैं। आई एम सो सॉरी सर, मैं समझ सकती हूँ आप क्या कह रहे हैं, शायद आपका शक सही हो, बट मैं बस एक मौका देना चाहती हूँ। आप नहीं समझ रही मिस अग्रवाल, निशा बहुत चलाक, चुटकी में किसी की भी आंख पे पट्टी बांध सकती है, एंड द बेस्ट थिंग इज लोगों को पता नहीं चलता कि अपने इशारों पे नचा रही है। सर हो सकता है आप सही कह रहे हो, जो आज उन्होंने माफी मांगी है वो दिल से ना मांगी हो, बट हमें भी तो पेशेंस रखनी होगी ना, तभी तो चीजें बदलेंगी। हम भी उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो एक ही दिन में बदल जाए। आपको भी विश्वास नहीं है ना मुझ पर? ऐसा कभी नहीं हो सकता सर कि मैं आप पे यकीन ना करूं। मैं यहां सिर्फ आपके सर, आई नो बहुत डिफिकल्ट टाइम है, बट द गुड थिंग इज दैट कि आज एक शुरुआत हुई है, हमारे इंटेंशंस अच्छे हैं, एंड अच्छाई तो कभी खाली जाती ही नहीं। मिस अग्रवाल इंटेंशन जैसी भी हो, आज जो भी हुआ उसकी वजह से अपनी फैमिली की नजरों में तो गिर गया ना मैं। आप निशा को नहीं जानती, बहुत चालाक है वो। उसने आपकी बात इसलिए मानी ताकि वो सबके सामने मुझ पर इल्जाम लगा सके कि मैंने उस पर दबाव डाला। एक्चुअली उसने आपकी बात नहीं मानी, उसने आपको अपने प्लान का हिस्सा बना लिया। प्लीज मिस अग्रवाल, उसे और मौका देके उसके प्लान में मत फंसिए आप, प्लीज। काकीमा मुझे लगता है सीरियस डिस्कशन चल रही है दोनों के बीच रेनोवेशन को लेके, है ना आदि? तुम गई नहीं अब तक? वो मैं बस जा ही रही थी, कुछ बात करनी थी। बाय सर। आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते, कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले से पूरा 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 सपोर्ट है? वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा, हफ्ते लगते हैं मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। क्या हेट्स, डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर, बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू। Thank you.
कर रहे हैं आप? और तुम्हारी चोट देख रहा हूं। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखिए ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग भी कर लूंगा। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या? अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई या तुम्हारा नाक? नाक तोड़ देंगे आप मेरा? तुम्हारी नाक पर बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं, अभी